नमस्ते छात्रों, मैं माधुरी मैडम आप सभी का पीवीएम ई-लर्निंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। लोक भारती हिंदी कक्षा दसवीं पहली इकाई पद्य चार पूरक पठन मन कवि विकास परिहार द्वारा रचित हाइकू इस जापान लोकप्रिय काव्य विधा का भाग दो आज हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर छात्रों हमने देखा कि हाइकू यानी मन यह पद्य जो है विश्व की सबसे छोटा पद्य सबसे छोटी कविता मानी जाती है और इस पद्य में कवि ने कहा हुआ है कि मनुष्य के जीवन में जो मुसीबत आते हैं जो संकट आते हैं ऐसे मुसीबतों का सामना मनुष्य ने डटकर करना चाहिए। यहाँ पर रोते बैठना या मनुष्य का काम नहीं है, जो भी मुसीबत आती है मनुष्य ने संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। नई उम्मीद के साथ नए जोश के साथ या नई प्रेरणा के साथ मनुष्य ने अपने जीवन में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जो मनुष्य यहाँ पर थम जाता है जो रुक जाता है उसका जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो कवि ने हमें यह प्रेरणा दी हुई है कि संघर्ष में भी मनुष्य ने हार नहीं माननी है, उसे आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। वैसे ही हमें पढ़ाई करते समय आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई करते करते अच्छे अंकों की तभी हम अपेक्षा कर सकते हैं जब हम अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। यदि हमने पढ़ाई नहीं की और फिर भी हम यह आशा रखते हैं कि मैं अच्छे अंकों से यहाँ पर उत्तीर्ण होऊंगा तो यह हमारी गलती है। तो यहाँ पर देखो छात्रों, पहले हमें काम करना है, पहले हमें पढ़ाई करनी है और तब जाकर हमें अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो आज हम अगली पंक्तियों को देखने जा रहे हैं। तो कवि का कहना है, कवि का ऐसा मानना है कि मनुष्य के जीवन में मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजीविषा। जीजीविषा यानी जीने की तमन्ना। अब यहाँ पर मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, चिंताएं आती है, दुख आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे जीवन रूपी संग्राम में मनुष्य ने डटे रहना चाहिए और उससे फिर भी हौसला रख कर या हौसला रखना चाहिए और मनुष्य ने आगे बढ़ना चाहिए। तो देखो छात्रों, यहाँ पर मनुष्य के जीवन में कभी कभार ऐसा भी होता है, हमारा मन आपत्ति से भरा हुआ है। आपत्ति के कारण हमें कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है। यहाँ पर कभी ऐसा भी होता है कि अपमान सहने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब हमें इस जीवन में रहना नहीं है, हमारा सारा जीवन यहाँ पर बेकार हो गया है, हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हमें अपमान सहकर या अपमान को हार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर अपमान भी हुआ तो फिर भी उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है और इस गलती के कारण हमें फिर भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमें जीजीविषा डटे रहने का संदेश देती है। संघर्ष ही आदमी को जीना सिखाती है। आदमी को संघर्ष जीवन में करना ही पड़ता है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जीवन सर्वसाधारण नहीं रहता है, मनुष्य को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और जो आदमी संघर्ष करता है आगे बढ़ता है उसी का जीवन सफल होता है और वही लोगों को संदेश देता है नई उम्मीद से जीवन जीने की। तो यहाँ पर छात्रों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गरीबी में रहकर भी उन्होंने छोटे काम से आज वह बड़ा काम करते हैं, यानी आज वह अमीर हो गए हैं। उन्होंने भी बहुत सारा अपमान यहाँ पर सहा हुआ है, लेकिन उस अपमान को सहकर भी जो आगे बढ़ा हुआ है या जो आगे बढ़ते उसे ही मानव कहलाता है या वही मनुष्य कहलाता है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अब देखो छात्रों, यहाँ पर जब आकाश में बादल छा जाते हैं, आकाश में जब काले बादल छा जाते हैं, आकाश में यानी इस विश्व में इस धरती पर जब तेज बारिश आती है, तेज आंधी आती है, तेज तूफान आता है, तो उस वक्त हम सभी डर जाते हैं कि यह आंधी कब थमेगी, यह बारिश कब रुकेगी।
लेकिन यहाँ पर जो काले बादल आकाश में छाए हुए रहते हैं उसमें से पानी बरसने लगता है। पानी बरसने के बाद सारा आकाश जो है सारा आकाश यहाँ पर साफ हो जाता है। उसी प्रकार हमारे मन की भी पीड़ा है, मनुष्य का मन भी वैसा है। मनुष्य जब अपनी यातनाएं या अपने दुख किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, तब यहाँ पर मनुष्य अपने आँखों से आंसू झलकने लगते हैं, यानी मनुष्य की आंतरिक पीड़ा यहाँ पर आँखों से झलकने लगती है और आँखों से उसकी पीड़ा यह साफ साफ दिखाई देती है। यानी आँखों से आंसू निकल जाने के बाद यहाँ पर मनुष्य का मन भी साफ हो जाता है। यानी उसके मन में जो पीड़ा रहती है, जो दुख रहता है, जो दर्द रहता है, वह दर्द यहाँ पर साफ हो जाता है या वह नष्ट हो जाता है। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। अब यहाँ पर रेल की जो दो पटरिया है यह दोनों ही जीवन भर साथ साथ चलती है। तो यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य ऐसे कि यह जो रेल की दो पटरिया है, एक पटरी जो है वह सुख की है और दूसरी है दुख की है। यानी सुख और दुख दोनों ही रेल की पटरियां साथ साथ चलती है। वैसा ही हमारा जीवन है। यहाँ पर मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख दोनों ही आते हैं जाते हैं। यहाँ पर वे ही रेल की पटरियों के जैसे है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य ने भी अपने जीवन में आए हुए ऐसे सुख दुख के अनुभव के तौर पर मनुष्य ने मौन धारण करना चाहिए। मनुष्य ने यहाँ पर अपने मन में शांति रखनी चाहिए। देखो छात्रों, ऐसा भी हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारा मन बहुत ही परेशान रहता है या हमारे मन में बहुत सारी पीड़ा है, यदि हम किसी के साथ व्यक्त नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमारे मन में हमारी आंखों से हमारा दुख यह झलकने लगता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। तो यहाँ पर सितारे जो है आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। या सितारे आकाश में जो सितारे हैं या सितारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, मगर वही सितारे इन बादलों को बादलों की आड़ में छिप जाते हैं, तब सारा आकाश यहाँ पर सूना हो जाता है। यानी जब सितारे आकाश में विश्व में आकाश में जब बादल आते हैं तो यह बादलों के आने के कारण आकाश में जो सितारे हैं यह सितारे यहाँ पर छिप जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर सारा आकाश सूना हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी है। ऐसा कवि का कहना है कि मनुष्य के जीवन में भी कुछ ऐसे प्रिय व्यक्ति रहते हैं या ऐसी प्रिय घटनाएं रहती है कि जो उसके जीवन से निकल जाती है। यानी कुछ लोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रहते हैं, और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि हमारे जीवन से निकल जाते हैं तो हमारा मन यहाँ पर उदास हो जाता है। ऐसे लोगों के चले जाने से हम नाराज हो जाते हैं, हम यहाँ पर दुख हमारे जीवन में आ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ये निरर्थक है, यानी हमारा जीवन कुछ काम का नहीं है। लेकिन देखो छात्रों, यहाँ पर समय इतना बलवान है कि मनुष्य को हर दुख हर तकलीफ को भुलाने के लिए वह मदद करता है। इसी कारण हमें हार नहीं माननी है। जो भी समय आता है उस समय में हमें डट कर उसका सामना करना है, संघर्ष करना है, हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर निराश न होकर हार न मानकर हमें वहाँ पर रोते बैठना नहीं है, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि ने अनोखा सामर्थ्य, कवि में अनोखा सामर्थ्य होता है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे गीत अमर बन जाते हैं। यानी यहाँ पर गीतों के यानी साहित्य के माध्यम से कवि समाज में परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि देखो छात्रों, यहाँ पर ऐसे कुछ गीत रहते हैं कि जिन गीतों को सुनकर हमारे मन में जो दुख रहता है, जो पीड़ा रहती है, वह दूर चली जाती है। उसी प्रकार ऐसा साहित्य हमने यदि पढ़ा कि जो प्रेरणादायी है, जो आशादायी है, जो उम्मीद के यहाँ पर कुछ संदेश देते हैं,
ऐसे किताबें, ऐसे साहित्य यदि हमने पढ़े तो यहाँ पर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यानी कवि जो रहते हैं या समाज में परिवर्तन लाने का काम करते हैं, उनके कविताओं के सहारे, उनके साहित्य के सहारे वह समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। जो सागर जिसमें बहुत सारा पानी है, यह अथाह ऐसा पानी होने के कारण, जल होने के कारण भी वह मछलियों की प्यास नहीं बुझाता या आदमियों की प्यास नहीं बुझाता। यहाँ पर इतना सागर में पानी होने के कारण वह हमारे कुछ काम का नहीं है, फिर भी मछली यहाँ पर प्यासी ही रहती है। यहाँ पर वह पानी जो है, वह जल जो है, वह प्यास नहीं बुझा सकता। उसी प्रकार कवि ने कहा हुआ है कि जो आदमी कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, यदि वह जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम नहीं आता है, जो जिस आदमी को हमारी मदद चाहिए, वह आदमी यदि हमारे पास आता है, धनवान ऐसे व्यक्ति के पास आता है, यदि धनवान ऐसा व्यक्ति उस आदमी की मदद नहीं करता है, तो उसके पास जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, यह सारा धन उसके पास व्यर्थ है। यानी यहाँ पर अमीर लोगों ने गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। यानी जो हमारे पास मदद के लिए आया हुआ है, उसे वहाँ पर हमें सहानुभूति देनी है, उसकी हमें मदद करनी है, उसे हमें सांत्वना देना है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमारा धन, हमारी अमीरी यह व्यर्थ है, ऐसा कवि ने इस पद्य में कहा हुआ है। तो यहाँ पर छात्रों, हमने मन या पूरक पाठ आज देखा। छात्रों सभी ने स्वाध्याय पूरा करना है। स्वाध्याय पूरा करने के बाद यहाँ पर जब हमारी स्कूल शुरू होगी, तब सभी छात्रों का स्वाध्याय यहाँ हम देखेंगे। अगले भाग में हम फिर दूसरा पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।